पहले तो मैं वो जो लैंग्वेज बोल रहा था, जो भाषा बोल रहा था, बड़ी कॉम्प्लेक्स है, संस्कृत जैसी दिखाई देगी आप लोग को, वो ये लिखी हुई है। तो देखना आर्टिकल 4, उसका पहला क्लोज कहता है एनी लॉ रेफर टू इन आर्टिकल 2 और 3 सेल कंटेंट्स अस प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल। ये कंप्लीट स्टोरी है, ये मैं यहाँ पर कंप्लीटली नहीं बोल रहा हूँ। अगला जो जो आर्टिकल 4 का जो सेकेंड पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है नो सच लॉ एज अफोरसेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, तो अब मैं समझाने जा रहा हूं कि क्या है। एक बार हिंदी में भी देख लेना, अनुच्छेद 2 या 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के, भाई नहीं समझ में आया क्या लिखा हुआ है। आगे देखो, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ पूर्वक प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, इसमें मोटे मोटे तौर पे आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है, और वो 2-3 बातें क्या है उसको ही आप लोग समझना। तो देखो, इसमें सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है आर्टिकल 2 और एक है आर्टिकल 3। अगर मैं बात करूं इसके ऊपर तो आप देखना आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, खैर इसको हम लोग साइड में कर देते हैं, अब ये हमारे काम की चीज है नहीं। आपने इतना पढ़ लिया, काफी नहीं समझ में आया, साइड करो इसको, जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको समझना। तो देखो, आर्टिकल 2 के अंदर और 3 के अंदर जो चीजें लिखी हुई है, एक तो उसको लेकर बात हुई है, एक यहां पर आपको दिखाई देगा फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, ये क्या है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। दूसरा लास्ट के अंदर आपको दिखाई देगा आर्टिकल 368 जो संविधान का अनुच्छेद 368 है, उसको लेकर जो बातें हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको साइड में करते हुए जो मेन स्टोरी है उसको समझते हैं। तो देखना बच्चों, तो देखो अब मेन स्टोरी देखो यहां से शुरू होती है। एक्चुअल में आर्टिकल 4 देखो क्या बताता है, आर्टिकल 4 आपको बताएगा कि जो आर्टिकल 2 और 3 है, जो संविधान का अनुच्छेद 2 और 3 है, अब क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 2 के अंदर, अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है कि जो भारतीय संघ है, जो इंडियन यूनियन है, उसमें नए राज्य का प्रवेश, मतलब जो भारतीय संघ है उसके अंदर नए राज्य का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, और उसके अंदर नए राज्य की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट, वो लिखा हुआ है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आर्टिकल 2 के अंदर, आर्टिकल 2 जो है उसके अंदर नए राज्य का प्रवेश लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य का प्रवेश व नए राज्य की स्थापना, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। और आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 3 में आपको दिखाई देगा बच्चों, अनुच्छेद 3 के अंदर जो भी कोई स्टेट है, स्टेट से स्टेट बना सकते हो, एक नया राज्य बना सकते हो, राज्य की बाउंड्री को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, उसकी सीमा को बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, उसके नेम को चेंज कर सकते हो, नाम को बदल सकते हो, ये बातें लिखी हुई है। तो आर्टिकल 4 क्या कहता है इस बारे में? आर्टिकल 4 कहता है कि जो भी कोई कानून बनेगा आर्टिकल 2 और 3 के अंदर, मतलब कोई भी नया राज्य भारत में लाना हो, किसी भी राज्य की बाउंड्री को चेंज करना हो, किसी राज्य के नाम को चेंज करना हो, ये वाला जो कानून है जो अनुच्छेद 2 और 3 का है, कंफ्यूज मत होना, लास्ट तक बने रहना, एक एक चीज समझ में आएगी आप लोगों को। ये जो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है नए राज्य का, और राज्य की बाउंड्री को बढ़ाना घटाना, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना, और एक स्टेट से दूसरा स्टेट बना देना, ये जो कानून है ये संसद जो है संसद विधि द्वारा करेगी और साधारण बहुमत के द्वारा होगा, सिंपल मेजोरिटी के साथ होगा। और वहीं आर्टिकल 4 का अगर सेकंड पॉइंट समझते हो तो उसमें लिखा हुआ है कि संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूं, कंफ्यूज क्रिएट हो रहा होगा आप लोग के दिमाग में, तो एक बार समझना आप लोग। तो अगर मैं बात करूं आर्टिकल 4 की, तो आर्टिकल 2 और 3 का जो कानून है जिसमें भारतीय क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन करना हो, नाम में परिवर्तन करना हो, जो आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है, नए राज्य का भारत में प्रवेश करना हो, नए राज्य की भारत में स्थापना करनी हो, ये जो भी कानून है वो कौन करेगी? संसद करेगी, पार्लियामेंट करेगी, और किसके द्वारा करेगी? साधारण कानून के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा, जैसा कि हमारे संविधान के अंदर साधारण बहुमत है।
साधारण कानून का जिक्र है, उस सिंपल मेजोरिटी के द्वारा वो चीजें होगी। मतलब क्या नहीं होगा, संविधान का संशोधन जो कि आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है वो नहीं समझा जाएगा। तो पहले तो मैं इस पॉइंट को बिल्कुल ही बेसिक से बताता हूं। देखो, आपके पास एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कहोगे जी बिल्कुल संविधान है, हमारे पास लिखित संविधान है, ठीक है, घर में भी एक संविधान है और यहां पर भी है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जितने भी पेजेस है, जो भी चीजें लिखी हुई है, अगर कहीं पर कोमा भी आ रहा है, कहीं पर कोई स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, कोई पार्ट है, अगर इसको रिमूव करना है, इसमें से किसी भी चीज को हटाना है, किसी भी चीज को ऐड करना है, तो उसके लिए बता देता हूं एक आर्टिकल का यूज करना पड़ता है, वो है आर्टिकल 368, जिसको संविधान का संशोधन कहा जाता है। और ये संविधान के संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का मतलब ही हुआ कि संविधान में से किसी भी चीज को हटाना, किसी भी चीज को जोड़ना संविधान में, और किसी भी चीज का परिवर्तन करना। इस पूरे के पूरे संविधान में जो भी परिवर्तन करना हो, जो भी बदलाव करना हो, वो किस अनुच्छेद के तहत होता है, आर्टिकल 368। आगे जब पार्लियामेंट के ऊपर क्लासेस होंगी तो मैं 368 को कंप्लीटली डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब तक के लिए इतना जान लो कि आपके पास एक संविधान है, आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, और इसमें किसी भी तरीके का अगर बदलाव करना है तो किस आर्टिकल का यूज करके होगा, 368 का। वहीं आर्टिकल 4 अपोजिट बात बोलता है, मतलब विपरीत दिशा के अंदर बात करता है। आर्टिकल 4 क्या कहता है, अगर आपको कोई नया राज्य, कोई भी न्यू स्टेट भारतीय संघ में मिलाना है, इंडियन यूनियन में मिलाना है, अगर किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, याद करो आर्टिकल 2 और 3 क्या लिखा हुआ था, नया राज्य भारत में मिलाना, भारतीय राज्य क्षेत्र को कम करना, उसकी सीमा को बढ़ाना, उसकी सीमा को कम करना, उसका नाम परिवर्तन करना, तो आर्टिकल 4 ये कहता है ये चीजें करने के लिए संविधान का संशोधन 368 का यूज करने की आवश्यकता नहीं है, वो संविधान के संशोधन के जरिए नहीं होगा, आर्टिकल 368 का इस्तेमाल उसमें नहीं होगा। फिर कहोगे सर कि कौन करेगा, तो सिंपल सा बता देता हूं, संसद करेगी, और संसद किस बहुमत से करेगी, साधारण बहुमत से करेगी, सिंपल मेजोरिटी से करेगी। ये सिंपल सा पॉइंट आपने समझा कि 2 और 3 में जो भी कानून लिखा हुआ है, दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान रखना, अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी कानून लिखा हुआ है, जो भी बातें लिखी हुई है, एक्स वाई जेड जो जो लिखा हुआ है, अगर उन सबको बदलना है, वो सारी चीजें करनी है, तो ध्यान रखना उसके लिए संसद कि किस बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, साधारण बहुमत, इंग्लिश में लिख देता हूं सिंपल मेजोरिटी, उसके लिए क्या करने की आवश्यकता नहीं है, आर्टिकल 368 का यूज करने की आवश्यकता नहीं है, संविधान का संशोधन उसकी आवश्यकता नहीं है। ये आर्टिकल 4 की सिंपल स्टेटमेंट थी। अच्छा, अब जैसे आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले, आर्टिकल 4 में एक बात और लिखी हुई थी, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, अब वो क्या है वो थोड़ा सा समझ लेना। तो पहले तो मैं बता देता हूं कि अनुसूचियां क्या होती है, शेड्यूल्स क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोग को बता देता हूं होता क्या है अनुसूचियां। एक तो भारत का संविधान, वो वर्ल्ड का सबसे लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, समझ लो अगर आपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया ना, तो 12 से 13 देशों के संविधान को तो आप ऐसे ही रट दोगे। जैसे अगर मैं बात करूं ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर कुल 80 धाराएं हैं, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इनका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, हालांकि पाकिस्तान का भी बड़ा है, उसमें भी लगभग आपको 280 धाराएं दिखाई दे जाएगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है इंडिया का पढ़ लिया एज इट इज ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान है, क्योंकि भाई बेटा हमेशा बाप की कॉपी करता है, तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने की तरह ही है। जैसे हम लोगों ने फंडामेंटल राइट डाले तो उनके अंदर आगे नीचे सेक्शन के अंदर वो चीजें दिखाई दे जाएगी। तो याद रखना बच्चों, केवल भारत का संविधान नहीं पढ़ रहे, पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं ऐसी ही बातें, ऐसी ही चीजें लिखी हुई, कुछ एक चीजों में अंतर है, खैर हम लोग पाकिस्तान के नहीं है तो वो चीजें नहीं पढ़ेंगे, तो वो चीजें यहाँ पर आपको समझनी है। तो वही चीज मैं आप लोग को बता रहा था कि जितनी भी चीजें होगी उसके लिए आर्टिकल 368 जो कि संविधान का संशोधन है, जो कि संविधान संशोधन की बात करता है, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। वो कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी, संसद करेगी, और संसद किस बहुमत से करेगी, संसद जो है वो साधारण बहुमत से करेगी, सिंपल मेजोरिटी से करेगी, उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। अब देखो ये चीज तो मैंने बताई, अब मैं बात कर रहा था शेड्यूल के ऊपर, अनुसूची के ऊपर। कहोगे सर ये अनुसूचियां क्या होती है, अनुसूचियां तो पहले तो थोड़ा सा समझना कि अनुसूचियां है क्या, और फर्स्ट और फोर्थ, पहली और चौथी जो अनुसूची है उसमें क्या लिखा हुआ है। देखो भारत का संविधान, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है,
ये जो सबसे बड़ा संविधान है इसके अंदर आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे, जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा के दिमाग में विचार आया कि अगर हम बहुत सारे विषय अगर इसके अंदर और ऐड कर देते हैं तो संविधान और ज्यादा बड़ा होता जाएगा। तो इसको बहुत ज्यादा बड़ा होने से बचाने के लिए हमने अनुसूचियां ऐड की, मतलब संविधान के जितने भी एक्स्ट्रा मैटर्स है, जितने भी अतिरिक्त विषय है, वो किसमें डाल दिए, हम लोगों ने शेड्यूल्स में डाल दिए, अनुसूचियों के अंदर डाल दिए। दूसरा क्या है, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, मान लो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो आप क्या करते हो, बुक पढ़ते हो, तो मान लो उसके अंदर कोई एक्स वाई जेड जगह दे दी, तो उसके ब्रैकेट में वो लिख देता कि अगर इस जगह के बारे में जानना है तो आप मैप को देखो और मैप इस पेज संख्या के ऊपर आएगा, तो वो एक इंडेक्स टाइप का हो गया। तो ऐसे संविधान के इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, अनुसूचियां है। और ऐसे हमारे पास टोटल कितनी अनुसूचियां है, 12 अनुसूचियां है, 12 शेड्यूल्स है टोटल। मैं आगे जब क्लासेस के अंदर बात करूंगा तो एक एक अनुसूचियों को डिटेल में पढ़ाऊंगा, कैसे किसमें क्या चीज लिखी हुई है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो संविधान के अंदर टोटल कितनी अनुसूचियां है, 12 अनुसूचियां। ये जो 12 अनुसूची है, संविधान के जितने भी अतिरिक्त विषय वो इसमें आते हैं। जैसे एक सिंपल सी मैं बात करूं, आपको पता है कि हमारे यहाँ पर राज्य और संघ शासित, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। अब उनके नाम जो है, उन संघ शासित प्रदेश के नाम, राज्य के नाम आपको मिलेंगे फर्स्ट शेड्यूल में, पहली अनुसूची में। अब आप बच्चों एक चीज बताओ मेरे को, कोई भी नया राज्य जब भारत में आएगा कुछ ना कुछ उसका नाम होगा, या किसी राज्य के नाम को परिवर्तित करोगे तो उसका नाम कहीं ना कहीं बदलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाब का नाम हम लोगों ने कर दिया कैनेडा, टोरंटो, तो कहीं ना कहीं पंजाब का नाम बदला, तो कहीं ना कहीं किस अनुसूची में, किस शेड्यूल में आएगा, फर्स्ट शेड्यूल में आएगा, पहली अनुसूची में आएगा। दूसरा क्या है, कोई भी नया राज्य जुड़ेगा तो नया राज्य भी कहीं ना कहीं फर्स्ट शेड्यूल में। कल की डेट को ऐसा हो जाए कि मान लेते हैं कि पंजाब से कोई एक स्टेट अलग हो जाए, हरियाणा से अलग हो जाए, यूपी से अलग हो जाए, एक नया स्टेट बन जाए, तो उसको भी हम लोग, उसका नाम किस अनुसूची के अंदर दर्ज होगा, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, पहली अनुसूची के अंदर। दूसरा क्या है, कोई भी नया स्टेट जब बनेगा तो नया स्टेट बनेगा तो उसके लिए राज्यसभा की सीटें होगी अलग से, क्योंकि विधानसभा के लिए राज्यसभा की सीटें होगी। और बता देता हूं संविधान की जो चौथी अनुसूची है, जो फोर्थ शेड्यूल है, जो चौथी अनुसूची है, उसके अंदर प्रत्येक राज्यसभा की कितनी सीटें हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। जैसे आप जिस भी स्टेट से हो उस स्टेट में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं उसके बारे में आपको मिलेगा किस अनुसूची में, फोर्थ शेड्यूल के अंदर, चौथी अनुसूची के अंदर मिलेगा। ये जो चौथी अनुसूची है, यहां पर आपको दिखाई देगा कि राज्यसभा की जो सीटें हैं राज्यों के अंदर उनका नाम मिलेगा। दूसरा, पहली अनुसूची में उन राज्यों का नाम मिलेगा। जैसे अगर आपको पंजाब नाम ढूंढना है, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये नाम ढूंढने हैं तो पहली अनुसूची में चले जाओ सीधा। दूसरा क्या है, चौथी अनुसूची में उस राज्य की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं यहां पर आप जा सकते हो। ये सारी चीजें बच्चों आपको पहली और चौथी अनुसूची में दिखाई देगी। अब मेरे को एक चीज बताओ, जब ये पूरा का पूरा परिवर्तन हो रहा है, नया नाम बन रहा है, सारी चीजें हो रही है, तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यही बात उसमें लिखी हुई है कि ऐसा कोई भी परिवर्तन जो पहली अनुसूची में आता है और फोर्थ शेड्यूल में आता है, चौथी अनुसूची में आता है, उसके लिए बताना क्या चीज करने की आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 368 का यूज करने की आवश्यकता नहीं है, 368 का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, मत यूज करो 368 का, जाने दो भाड़ में 368 को। सिर्फ इतना ध्यान रखो क्या चाहिए हमें, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। और किसका साधारण बहुमत चाहिए, बता देता हूं, पार्लियामेंट का, संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता हमें वहां पर पड़ेगी। दोबारा रिपीट कर देता हूं, आर्टिकल 4 में जो बातें लिखी हुई है उसके लिए आप लोग बताना किसकी आवश्यकता नहीं है। 368 क्या बोलता है, संविधान का संशोधन। और कहां कहां पर परिवर्तन होगा, पहली अनुसूची उसमें राज्यों का नाम, संघ शासित प्रदेश उनका नाम लिखा हुआ है, चौथी अनुसूची जिसके अंदर राज्यसभा की सीटें लिखी हुई है, ये जो भी परिवर्तन होगा 368 के तहत नहीं होगा, उसके लिए किस आर्टिकल का यूज किया जाएगा, आर्टिकल 4। और कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी, और किस मेजोरिटी से करेगी, सिंपल मेजोरिटी। आगे की क्लासेस में मैं आप लोग को सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, इन सब के बारे में बताने वाला हूं, आप टेंशन ना लो, एक एक चीजें डिटेल के अंदर होगी।
खैर ये छोटी सी स्टेटमेंट थी। अब मैं लास्ट में जाते जाते आप लोग को एक लास्ट पॉइंट बता देता हूँ। वीडियो मैंने उतना डिटेल में ये नहीं बनाया, इतना ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि आर्टिकल 1, 2 और 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं आर्टिकल 4 पे ही आज की क्लास में बात करूंगा। जो राज्यों का पुनर्गठन है, स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट जो है, वो अगली क्लास में आपको मिलेगा। और वहां पर ये नहीं है कि भाई नेट वगैरह से कुछ चीजें उठाई और आकर पढ़ा दिया, बकायदा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट हुई है बॉम्बे को लेकर हुई है, उसके बाद जैसे जैसे जो राज्य बने हैं उनको लेकर जो जो रिपोर्ट आई है, उन रिपोर्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। वो सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में मिलेगी। अब जाते जाते मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमारी संविधान सभा के एक मेंबर थे सिब्बनलाल सक्सेना, एसएल सक्सेना। सबके नाम याद नहीं रखने आपको, 2-4 व्यक्ति है जो इंपॉर्टेंट थे उनके नाम याद रखने। संविधान सभा के एक मेंबर थे सिब्बनलाल सक्सेना, एसएल सक्सेना। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई आर्टिकल 4 जो है वो जाहिर सी बात है आप लोग ठीक ठीक चीजें कर रहे हो, लेकिन उसके लिए क्या करो, उसके लिए आप सिंपल मेजोरिटी से वो कानून पास मत करो, वो जो कानून है वो पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी से, विशेष बहुमत से पास करो। तो ध्यान रखना, सिब्बनलाल सक्सेना जो कि हमारी संविधान सभा के मेंबर थे, लिख देता हूं उनका नाम एसएल सक्सेना। हमारे यहां पर हालांकि सक्सेना जो नाम मिलता है ना, वो किसी और का ही नाम मिलता है, आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट देखी होगी, सक्सेना ऊपर चौबारे पर मिले तो एक खास किस्म का नाम आपको सक्सेना का दिखाई देगा, तो उसके ऊपर नहीं जाना कि अच्छा ये तो भूई सक्सेना है जिसकी मैं बात कर रहा था, नहीं, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के रोग के लिए जो मिलने वाली जो बातें होती है, सक्सेना हॉस्पिटल ऊपर बस स्टैंड पर चौराहे पर, नहीं वो नहीं है यहाँ पर। खैर मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, किसी का पर्सनली मत ले जाना इस चीज को। एसएल सक्सेना, सिब्बनलाल सक्सेना जी है, ठीक है। काफी एक्टिव मेंबर थे संविधान सभा के, भीमराव अंबेडकर जी से काफी मामलों में डिबेट हुई उनकी। तो उन्होंने कहा कि भाई जो आप चीजें कर रहे हो आर्टिकल 2 और 3 के अंदर, तो ध्यान रखना उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी से लानी पड़ेगी वो चीजें, विशेष बहुमत से वो चीजें लानी पड़ेगी, उसके लिए सिंपल मेजोरिटी नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या सुझाव दिया था, सजेशन क्या दिया था, स्पेशल मेजोरिटी का सजेशन दिया था, विशेष बहुमत के बारे में कहा था, उन्होंने साधारण बहुमत का जिक्र नहीं किया। लेकिन उनकी बात को आखिर नहीं माना गया और फाइनली संविधान के अंदर क्या चीज आई कि जो भी कानून होगा, जो भी बिल होगा, वो संसद के साधारण बहुमत सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आर्टिकल 4 की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा, जो भी मैंने चीजें बताई वो आपने कंप्लीटली डिटेल के अंदर समझी। अगली क्लास जो होगी आप हम लोगों की, उसके अंदर स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में, जैसे धर कमेटी आई, JVP कमेटी आई, फजल अली आयोग आया, कंप्लीटली डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सारी चीजें आप लोग को एक एक पॉइंट के अंदर मिलेगी। जाते जाते लास्ट के अंदर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बताना संविधान के किस अनुच्छेद में देश का नाम है, आप तुरंत जवाब दोगे आर्टिकल 1 के अंदर। बताना किस किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल के अंदर राज्य के नाम परिवर्तन की, नेम चेंज की बात की है, तुरंत जवाब देना आर्टिकल 3 के अंदर। उसके बाद बताना किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद के अंदर भारतीय संघ में, इंडियन यूनियन में नए राज्य को मिलाने की बात हुई है, वो होगी आपकी आर्टिकल 2 के अंदर। और आर्टिकल 2 और 3 में अगर बदलाव लाना है, ऐसा कोई कानून लाना है, तो किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 4 के अंदर। और उसके लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी, 368 की जरूरत नहीं होगी। कैसे होगा वो, सिंपल मेजोरिटी से होगा, साधारण बहुमत से होगा। कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी। एसएल सक्सेना ने क्या कहा, स्पेशल मेजोरिटी से होना चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से नहीं होना चाहिए, हालांकि इनकी बात को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं जल्दी।